अभिषेक कुमार की इतनी छोटी छोटी बातें लोगों को बहुत ही ज्यादा भा जा रही हैं, दिल में घर कर जा रही हैं लोगों के, काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं लोग। और ऐसी बातें ना सोशल मीडिया पर मैंने बिग बॉस 17 में सुनी नहीं थी, ऐसी बातें कोई करता नहीं था, पर अब जो कर रहे हैं ना उनको एक पॉइंट भी मिल रहा है और खुशी खुशी में बातें भी कर रही हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है उसके बारे में बात करना। जैसे कि अभिषेक, अभिषेक ने जो है मुनव्वर आया, आयशा ने गले लगाया, मुनव्वर ने गले लगाया और वहाँ पर मुनव्वर को जो है समझाया अभिषेक ने आके कि भाई तू स्टैंड लेता, मैं जैसे लेता हूँ तू तू एटलीस्ट ये बात बोल देता, हाँ वो गलत है थप्पड़ मारना, पर तू पोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है इस तरीके से, ठीक है वो बहुत सही बोला अभिषेक ने। पर अभिषेक ने फिर से एक बात बोली, जैसे कि मनारा ने लगा दी कि भाई पहले तो ये बात बोल रहा था कि अगर तू कैप्टन मतलब कि मैं उसको निकाल देता, अब बोल रहा कि हाँ चाहिए। तो मुनव्वर ने भी वहां पर क्लियर किया कि भाई मैं इसी वे में अगर मैं कैप्टन होता हाँ मैं निकाल देता, मैं तो उसके मुंह पे बोलता हूँ, पर अगर देखा जाए तो हाँ मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पर, और फिर भी वहां पर क्लियर किया। और ये सब चीजें बीच में जो है कहीं ना कहीं क्या मनारा ने लड़ाई लगाने की कोशिश की, ऐसा तो लगा ही है ना, डेफिनेटली ऐसी चीज लगी है। और मनारा ने फिर क्या बोला कि तू अगर आया है ना तू अपनी सोच समझ से चल, अब किसी की सोच समझ से मत चलना। तो उसका मतलब मनारा का क्या था कि मुनव्वर जो तुझे बताएगा ना उससे उसके चाल मत चलना, अपना जो भी करना तो उस तरीके से करना। तो वहीं पर जो अभिषेक ने एक स्टैंड लिया कि भाई तू तो चुप ही रह, तू तो ज्यादा बोली मत, तूने मेरे लिए हाथ नहीं उठाया, जो वो स्टैंड लिया वो काफी ज्यादा कमाल का लगा लोगों को कि देखो भाई ये दोस्ती जो है ये बहुत कमाल की है और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, दिखती है। सही बात है, मुनव्वर फारूकी को ना थोड़ा बहुत अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन से जो निकल के आए, जो कि उनको लगता है कि वो निकल गए हैं, गेम खेल रहे हैं, पर फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है। मुनव्वर डिस्टर्ब होने के कारण ना वो सही चीज नहीं कर पा रहा, जो चीजें जो है मुनव्वर के ऊपर उंगली उठने का कारण बन रही है, जैसे कि मनारा, समर्थ, कोई भी जो है वो उंगली उठा देता है, बिग बॉस बोल देता है, सलमान खान बोल देते हैं कि समझदार आप समझदार, काफी ज्यादा टोंड जो है बीच बीच में अभिषेक को वीकेंड के वार पे मारते हुए मैंने भी सुना देखा और बिग बॉस ने भी मारी। तो ये चीजें अब समझनी पड़ेगी मुनव्वर को कि कहाँ पर स्टैंड लेना है, कहाँ पर स्टैंड नहीं लेना है, कहीं कहाँ पर नहीं लेना, ये तो भाई आप सोचो ही मत, पर कहाँ पर लेना है आपको स्टैंड, ये चीज में आप क्लियर होने चाहिए, क्योंकि विनर में जो है यही चीज देखी जाती है कि आप कहाँ पर स्टैंड लेते हो। और मुनव्वर फारूकी विनर बनने वाले हैं, और विनर अगर वो बनेंगे तो उनमें ये क्वालिटीज जो पहले दिखाई दे रही थी वो अब भी दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो लोग जो है बहुत ज्यादा उंगलियां उठाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मुनव्वर के ऊपर ये उंगलियां उठे, क्योंकि मुनव्वर जो है रियल विनर बने, ना कि लोग बोले कि भाई अपनी जनता की वजह से विनर बन गया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।